नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हाल ही में एक दीदी जी ने मुझे कांटेक्ट किया था और उसने अपनी कुछ व्यथा मुझे बताई थी। वो ये कह रही थी कि उसके साथ एक इंसान ने बहुत ही ज़्यादा बुरा किया और ऐसी आज हालत है कि वो इंसान अपनी बहुत ही अच्छे से ज़िंदगी जी रहा है और ये बहुत ही दुखी है अपने लाइफ में। तो इन सारी चीज़ों से वो भी मुझे पूछ रही थी कि ऐसा कैसा ये न्याय है। या फिर मैंने ये सोचा, अपने हिसाब से मैंने उनके साथ बहुत बातें की और उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगता है कि इस विषय पर मैंने इसलिए वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ऐसे सवाल होंगे कि बुरा करके बचने वाले लोग, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा बुरा करते हैं, और जैसे बड़े बड़े नेताओं के भी आपने देखे होंगे कि जिन्होंने मतलब लाखों लोगों के कभी कभी वो जान लेते हैं या फिर लाखों लोगों के मतलब बहुत ज़्यादा दुख होता है कभी कभी एक इंसान के वजह से, तो ऐसे ये करके भी उनको बहुत ही बड़ा दर्जा दिया जाता है, उनके फ़ोटो लगाए जाते हैं, वो अगर इस दुनिया से चले गए फिर भी उनके पुतले उभार दिए जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? मतलब जो बुरा करता है तो वो बच ही जाता है क्या? या फिर इस तरह से अगर जिस तरह से वो बुरा कर्म करते हैं उस तरह से उनके सामने बहुत ही ज़्यादा दुख आना चाहिए था, वो तो नहीं आता, बहुत ही मज़े में वो अपनी ज़िंदगी जीते हुए दिखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये समझना होगा कि ये सारी चीज़ें किस तरह से काम करती है। एक कोई आत्मा जब पृथ्वी पर जन्म लेती है तो वो ये सोचकर नहीं पृथ्वी पर आती कि वो कुछ बुरा करेगी। कोई भी आत्मा हो वो अच्छा करने के लिए ही पृथ्वी पर आती है, लेकिन आने के बाद वो बुरा कर्म करती जाती है क्योंकि वो, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि काम, क्रोध और लोभ में फंसने के बाद वो इंसान जो होता है वो अपने आप को पूरी तरह से भूल जाता है और वो सिर्फ, कहते हैं ना, कि इन सारी चीज़ों में ही लिप्त हो जाता है, डूब जाता है और बाद में वो बुरे कर्म करते करते आगे बढ़ता रहता है और उसके बाद बहुत सारे पाप जमा होते हैं। तो ऐसा कोई समझो एक इंसान है वो बहुत ही ज़्यादा बुरे कर्म कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि तुरंत उसको सज़ा मिलने वाली है। देखिए दोस्तों, ये जो सारी बातें हैं वो इस तरह से काम करती है कि जब उसका वक्त आएगा तब उसका बुरा होने ही वाला है, लेकिन फ़िलहाल हो सकता है कि वो एक अच्छी ज़िंदगी जिए। ऐसा ज़रा भी नहीं है कि किसी जन्म में उसने पुण्य किया था इस वजह से आज वो अच्छी ज़िंदगी जी रहा, ऐसा ज़रा भी नहीं होता। उसकी आत्मा ने कहीं ना कहीं ये जो चयन किया होता है, हाँ उसने अगर कोई अच्छा काम किया है तो हो सकता है कि उसके साथ कुछ अच्छा हो, लेकिन उसके बुरे जो कर्म हैं वो उसका अच्छा कर्म ढक देंगे बुरे कर्मों को, ऐसा ज़रा भी नहीं होता। महत्वपूर्ण यही है दोस्तों कि देखिए, कोई भी कर्म हो, छोटे से छोटा पाप भी, बड़े बड़े पाप तो मैं बात भी नहीं कर रहा, उसके तो सज़ा मिले ही, लेकिन छोटे से छोटा कर्म, मैंने अगर किसी को कुछ ज़ोर से बोला और उसको बुरा लगा तो इतने छोटे कर्म की भी सज़ा मुझे भुगतनी ही होगी, तो बड़े बड़े पाप तो हमें भुगतने ही होंगे, लेकिन महत्वपूर्ण ये है दोस्तों कि वो इंसान किस तरह से कर्म करेगा। या फिर मैंने पहले भी आपसे कहा था कि उनको कभी ना कभी सज़ा मिलेगी, लेकिन अच्छा यह है कि हम अपनी ज़िंदगी को देखें। मुझे भी पता है कि कभी कभी कुछ लोग ऐसे हमारे साथ कुछ करते हैं कि हम उसको नहीं भुला पाते, पूरी ज़िंदगी हम उनको नहीं माफ़ कर सकते, चाहे हम कितना भी दिल बड़ा कर ले, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको हमेशा के लिए माफ़ी मिली है। हो सकता है, मैंने बहुत बार आपको उदाहरण देता हूँ, इदी अमीन का, जिसने लाखों लोगों को मारा और बहुत ही अच्छी मौत मरा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको माफ़ी मिल गई होगी, उसके वो बहुत सारे बुरे जन्म लेने पड़े होंगे। यहाँ पर एक बात थोड़ी सी अन्यायकारक मुझे लगती है कि अगर मेरे साथ किसी ने बुरा किया है तो हो सकता है कि मेरी आंखों के सामने उसका बुरा होते हुए मैं ना देखूँ। ये बात बुरी मैं मानता हूँ क्योंकि उसने मेरे साथ कुछ बुरा किया है तो मेरी भी इच्छा हो सकती है कि उसको मैं बुरी हालत में देखूँ, और ये जायज़ है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बड़ा पाप है। या फिर देखिए दोस्तों, ये एक अन्यायकारक गोष्ट चीज़ लगती है, लेकिन फिर भी दोस्तों, यहाँ पर अगर हम पृथ्वी पर आए हैं तो वहाँ पर मेरे मन के मुताबिक नियम नहीं होंगे, यहाँ पर आत्मलोक के नियम या फिर ईश्वर ने जो बनाए हैं पृथ्वी के नियम, उसी से हमें चलना होगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि हमेशा ही मेरे जैसे, मतलब हमारे जैसे मन के जैसे कोई किसी को न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, ऐसा नहीं होता। इंसाफ वैसे ही मिलेगा जैसे वहाँ पर जो कायदे कानून है उस तरह से। इसलिए महत्वपूर्ण यही है दोस्तों कि जितना हो सके मेरा किसी ने बुरा किया है उसको अपनी सज़ा मिलेगी ही। मैं बहुत बार आपसे कहता हूँ कि दिल बड़ा करके उसको माफ़ कर देना, अब हमें अगर ठीक नहीं होता तो कोई बात नहीं, ऐसा भी नहीं है कि कोई आपको माफ़ करने कह रहा है, आप उसके बारे में सोचना ही बंद कर दो। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर हम सोचते रहे कि उसका कुछ बुरा करना है, मुझे उसका कुछ बुरा करना है या फिर मुझे उसका कुछ बुरा देखना है, तो हो सकता है कि किसी अगले जन्म में या फिर किसी दो तीन जन्म के बाद हमारे से उसका कुछ अनजाने में बुरा हो सकता है क्योंकि उसने हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया था। लेकिन मैं दिल से अगर उसको छोड़ ही दूँ, मतलब माफ़ भी ना करूँ या फिर भलाई उसका ऐसा कुछ भी नहीं सोचूँ और मैं अपने जीवन में बस आगे बढ़ने की कोशिश करूँ, खुद के बारे में सोचूँ, तो ऐसे वक्त में क्या होगा कि उसका तो बुरा होगा तो उसको तो बुरा करने वाले लाखों लोग मतलब उसका ही बुरा करके जाएंगे क्योंकि हमारे साथ उसने बुरा किया है। इस वजह से अगर कोई बुरा करके बच जाता है तो वो हाँ देख सकता है कि फ़िलहाल वो बचा हुआ है लेकिन कल उसके बुरे दिन आएंगे, ऐसा नहीं है। मैंने बहुत लोगों को ऐसा भी देखा है कि जवानी में बहुत ही अच्छे मतलब मज़ा मारी, उन्होंने बहुत ही अच्छा किया सब कुछ, दूसरों को दुख दिए, और बुढ़ापे के दोस्तों ऐसी हालत होती है कभी कभी लोगों की, क्योंकि उनको देखने वाला कोई नहीं होता, उनको मतलब सुनने वाला कोई नहीं होता,
वो अकेले ही वहाँ पर, मतलब उनका कोई भी बात सुनने वाला नहीं होता। वो कभी कभी ऐसे भी लोग मैंने देखे कि जो मौत को पुकार रहे हैं लेकिन 20-30 साल वैसे ही वो बेड पर पड़े रहते हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं होता। तो इस तरह से भी लोगों को कभी कभी सज़ा मिलती है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि कोई बुरा करके आज मजे है में है, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब वो बच ही गया है, उसको कभी ना कभी सज़ा मिलेगी। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने जीवन में आगे बढ़े, हम उसके बारे में ज़्यादा ना सोचें, हम अपने जीवन में दोस्तों अच्छा कुछ करने की कोशिश करें। और जो ईश्वर का न्याय है, जो इंसाफ है, वो होने ही वाला है 100%। महत्वपूर्ण है दोस्तों कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करें और हमारे जीवन का पूरी तरह से सार्थक करें। आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।